रायपुर में कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण को जरूरी बताया और इसे लागू करने की अपील की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, केंद्र की सरकार जो क्रीमी लेयर है, जिसको नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, उसको नकार रही है। और उत्तराखंड में ये विषय बहुत पहले से आया था, तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी, वो इस विषय को मानते नहीं है कि ये उत्तराखंड सरकार का लाया हुआ विषय है। नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक ये विषय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है देश में। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकामजी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की जो नीतियां आरक्षण के विरोध में है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण को, क्योंकि देश में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी धर्म सभी वर्ग के लोग रहते हैं। जो आरक्षण का मामला आया है उसमें वो बहुत ही निंदनीय है। मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग बहुत निंदा करते हैं।